शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोज्जनेत्रम् कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल ए आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। प्रणाम सभी लोगों, मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है। अभी हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बताने के लिए आया हूँ, जिसका नाम है शुष्क कास, ड्राई कफ जब रहता है तो हम लोग को किस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, इसके बारे में हम लोग ये बात करेंगे। और क्या है कि शुष्क कास के पेशेंट आप लोगों के पास बहुत सारे आ ही रहे होंगे, तो आप लोगों को ये सब मालूम होना चाहिए कि हम लोग ऐसे सब लोग को मालूम है, लेकिन हम उस पर चर्चा करते हैं ना तो कुछ कुछ नया नया चीज सीखने को मिलता है। तो जब शुष्क कास सूखी खांसी के पेशेंट जब आते हैं तो हम लोग इसको देखते हैं, तो ये बातश टाइप का भी हो सकता है या पित्तश टाइप का भी हो सकता है, और ज्यादातर इसमें निरामावस्था रहती है, जरूरी नहीं है कि इसमें आमावस्था रहे। और इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम और हो सकते हैं शुष्क कास के साथ में, तो प्रतिशय रहता है, मतलब सर्दी रहता है बहुत ज्यादा, श्वास रहता है, सांस फूलता है, ब्रोंकियल अस्थमा भी रहता है और सूखी खांसी भी आती है। फिर क्षय रोग रहता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया या एड्स हो गया, क्षयात्मक संप्राप्ति रहती है और ज्वर होता है, इनमें बुखार भी रहता है और सूखी खांसी आती है। और फिर उसके बाद में जो वूपिंग कफ जो बोलते हैं, कुकुर खांसी, कुत्ते की तरह जैसे वो खांसते हैं ना, तो वैसा वूपिंग कफ भी रहता है। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स में ये लक्षण रूप में आता है शुष्क कास। दोष देखेंगे तो इसमें वायु और कफ, वात और कफ रहता है। और धातु अगर देखेंगे तो इसमें रस धातु की दुष्टि ज्यादातर दिखती है, क्योंकि रस का मल क्या है, तो कफ है, तो इसमें रस स्रोत की दुष्टि दिखती है, और नहीं रस धातु की दुष्टि दिखती है, रस का जो मल है कफ ज्यादा बनता है। लेकिन प्राणव स्रोत देखेंगे तो प्राणव स्रोत की ये व्याधि है शुष्क कास। और ये उर में, कंठ में और सिर में इसका प्रभाव देखा जाता है, कि छाती में, कंठ, गले में, थ्रोट में और सिर तक वो सूखी खांसी आती है, तो पूरा वहां पे अफेक्ट होता है। उसी तरह से उर, कंठ और फुफ्फुस पे इसका, लंग्स पे इसका इफेक्ट होता है। चिकित्सा जब है करना है तो सूखी खांसी में कफ जो है वो खुल जाए, कफ का रास्ता जो है वो खुल जाए और वायु अच्छे से जा पाए, और वायु का चिकित्सा, कफ और वायु की चिकित्सा ऐसा योजना करना पड़ता है। तो गुरुकुल पारंपरिक उपचार में क्या किया जाता है महाराष्ट्र में जो किया जाता है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग तो बताने ही वाले हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या किया जाता है कि नाक में दो दो ड्रॉप गाय का घी डाला जाता है, तो सूखी खांसी बहुत काफी हद तक फायदा हो जाता है, तो आप लोग अपने पेशेंट को बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर कभी कभी पेशेंट हमारे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलोपैथी की दवाइयां लेते हैं, तो उसके साइड इफेक्ट से भी ये सूखी खांसी बहुत ज्यादा होने लगती है। तो हमें ये देखना चाहिए कि एलोपैथी की कौन सी दवाइयां जा रही है जिसकी वजह से ड्राइनेस आ गया, वायु का प्रकोप हो गया और उसके वजह से सूखी खांसी आ रही है। और दूसरा क्या है कि एलादी वटी, आप लोगों को मालूम है इलायची से बना हुआ एलादी वटी, एक एक गोली सुबह शाम अगर चूस चूस के लें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर वासा पाक जो रहता है, वासा पाक अड़ुलसा से बना हुआ, जो जैसे कि हम लोग शतावरी कल बनाते हैं वैसे वासा पाक
भाषा के श्रम करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वासा पाक जो है वो तीन तीन चम्मच सुबह शाम देने से फायदा हो जाता है। इसी तरह से प्रवाल जो रहते हैं, प्रवाल पंचामृत, इसकी तीन तीन गोली, अगर पित्त का संप्राप्ति है वहां पे, मतलब पित्त भी है, दाह भी है और सूखी खांसी भी आ रही है, एसिडिटी भी है, सूखी खांसी आ रही है, तो वहां पे प्रवाल पंचामृत तीन तीन गोली सुबह शाम जो गोदुग्ध भावित रहता है वो देने से फायदा हो जाता है। या फिर ज्येष्ठ मध जो रहता है, यष्टि मधु चूसने से, उसकी जो लकड़ी रहती है उसको चबा चबा के चूसने से बहुत अच्छा फायदा होता है सूखी खांसी में, क्योंकि वो स्निग्ध रहती है और सूखी खांसी में बहुत अच्छा फायदा करती है। या फिर जो मिश्री होता है, मिश्री को भी चूसने से सूखी खांसी में बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर किशमिश या मनुक्का जो रहता है, वह अगर मुंह में चूस चूस के चबा चबा के खाएं तो उससे भी सूखी खांसी में फायदा होता है। इसी तरह से एक हलवा बनाए, सूजी का बनाए या आटे का, और उसमें थोड़ा सा किंचित यष्टि मधु डाले, यष्टि मधु वमनोपग है तो इसलिए ज्यादा ना डाले, थोड़ा सा डाले किंचित, तो उससे बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और या फिर यष्टि मधु का चूर्ण जो है वो थोड़ा थोड़ा चाटे, या फिर बहुत सारे जो कास के दूर करने वाले, जैसे यष्ट ये कर्पूर आदि चूर्ण है, फिर उसके बाद में सितोपल आदि चूर्ण है, तालिस आदि चूर्ण है, ये मुहर मुहर चाटन करना है, थोड़ा थोड़ा चाटन करना है, तो इससे सूखी खांसी में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से प्रवाल, अगर पित्त का बहुत प्रकोप है तो काम दुधा, प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, इसका प्रयोग करने से फायदा हो जाता है। अगर कॉन्स्टिपेशन है, मतलब मलावरोध है और सूखी खांसी आ रही है मल के अवरोध की वजह से, अपान वायु विगुणित होके ऐसा हो रहा है, तो उसमें मनुक्का किशमिश रात को भिगो के वह खाने से बहुत अच्छा फायदा होता है, पेट साफ हो जाता है, सूखी खांसी वायु प्रतिलोमित होने से अपने आप सूखी खांसी में फायदा हो जाता है। इसी तरह से गुलाब और द्राक्षा सौ ऐसे यहाँ पे बनता है, गुलाब द्राक्षा सौ, उसमें गुलाब भी रहते हैं और द्राक्षा भी रहती है, ऐसा आसव अगर दे दिया जाए तो सूखी खांसी में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से सितोपलादी चूर्ण का तो बहुत अच्छा फायदा होता है, छाती में और पीठ में महानारायण तेल का मालिश करें, या सरसों का तेल में थोड़ा सेंधा नमक डाल के अगर मालिश करें तो उससे भी सूखी खांसी में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। ग्रंथों में शुष्क कास के लिए क्या क्या बताया है, तो सितोपलादी चूर्ण सबसे अच्छा बताया है, एलादी वटी बताया है, श्वासाभ्रक रस ऐसा करके एक दवाई आता है वो बहुत अच्छा काम करता है, श्रृंगाभ्र रस उसका बहुत अच्छा फायदा होता है, फिर वासा पाक या फिर तालिसादि चूर्ण, कट फलादि चूर्ण, यष्टि मधु घृत, कंठकारी अवले या फिर शतावरी घृत, और घृत कल्पना अगर हम देते हैं ना, मतलब कोई भी आप दवाई दीजिए खांसी के लिए तो उसके साथ में घी का अनुपान रखें, एक दो चम्मच वो दवाई खा के घी के, जैसे सितोपलादि चूर्ण दे रहे हैं तो घी के साथ दें, अगर आप पंचकोल चूर्ण दे रहे हैं खांसी के लिए, या वासा का कुछ, वासा का चूर्ण दे रहे हैं खांसी के लिए, या फिर कंठकारी का चूर्ण दे रहे हैं, या फिर श्रृंगी दे रहे हैं, कर्कट श्रृंगी दे रहे हैं, तो घृत का अनुपान रखने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसमें सूखी खांसी जिनको होती है ना, तो उनको अभी जो लोग का बोलने का काम बहुत रहता है, जो कॉलेज में प्रोफेसर रहते हैं या नेता लोग रहते हैं, तो उनको बोलने का कितना लिमिट है, जैसे कि लता मंगेशकर वगैरह थी, वो सिंगर लोग थे, तो उनको गाना पड़ता था, रिहर्सल बहुत ज्यादा करना पड़ता था, तो वो क्या करते थे कि यष्टि मधु चूसते रहते थे, यष्टि मधु और गुड़, और बीच बीच में घी खाते रहते थे। तो क्योंकि मैंने लता मंगेशकर मराठी में एक इंटरव्यू देखा था, तो वो बता रही थी कि मैं यष्टि मधु का लकड़ी है वो चूसती हूँ तो मेरा गला अच्छा रहता है। ठीक है, उसी तरह से हमें ये मनुक्का का सेवन करने से भी बहुत अच्छा फायदा हो जाता है, या फिर जो लोग को टाइपिंग का बहुत काम रहता है या वजन उठाने का काम रहता है, तो उनको ये सूखा खांसी जो है, जो लोग को वजन उठाने का काम है उनको ध्यान रखना चाहिए बहुत ज्यादा, या फिर जो लोग बहुत ज्यादा ऐसे डस्ट में काम करते हैं, जैसे कि कोर्ट में जो बहुत सारे जो क्लर्क्स रहते हैं कोर्ट रूम में, जो साफ सफाई नहीं है, उनको सूखी खांसी आने का बहुत ज्यादा, या धूल मिट्टी में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सूखी खांसी आती है, तो उनको मतलब मुंह पे कुछ ऐसे बांध के कपड़ा वगैरह मास्क लगा के इसका सेवन करें, ये जो हमारी दवाई है उसका सेवन करें, और टाइम पे सोना टाइम पे उठना इसका ध्यान रखें, मनुका का प्रयोग करें, कुष्मान डबले, पेठा का मिठाई, पेठा का मिठाई आगरा का पेठा का मिठाई खाने से सूखी खांसी में बहुत अच्छा फायदा होता है, अच्छा तेल का प्रयोग करें खाने में, घटिया तेल का प्रयोग ना करें, घी का सेवन करें, उसी तरह से अच्छा पौष्टिक आहार का सेवन करें, मूंग दाल का जो यूष है, दाल का पानी है, उसका सेवन करें, और यूष जब भी पी रहे हैं तो उसमें घी का सेवन करें तो सूखी खांसी में बहुत अच्छा फायदा होता है, और क्या चीज नहीं लेना चाहिए तो चाय का सेवन बंद कर दें, सूखी खांसी वाले को चाय नहीं देना है, और धूम्रपान,
जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या बीड़ी पीते हैं, सिगार पीते हैं, करो। वो लोगों को ये पूरी तरह से अपने आप को कुपथ्य नहीं पालना है, धूम्रपान नहीं करना है, या फिर इररिलेवेंट टॉकिंग करते हैं, नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं, उनको अपने बोलने पे कंट्रोल करना है। जागरण करते हैं जो लोग, उनको जागना नहीं है बहुत देर तक, बहुत ज्यादा मेहनत का काम नहीं करना है, उपवास नहीं करना है बहुत ज्यादा, और या फिर लेट खाना खाना ऐसा नहीं करना है, या न खाना खाना ऐसा नहीं करना है। रुक्ष आहार का सेवन, जैसे कि सूखा धान्य वगैरह है, या फिर स्प्राउटेड चीजें हैं, या फिर चूड़ा वगैरह जो सूखा है बहुत ज्यादा, भुना हुआ चूड़ा, या फिर चना बहुत कंटिन्यू अगर ले रहे हैं, तो वह स्नेहन होना जरूरी है, तब शुष्क काश में ठीक कर सकते हैं। और कम सोना, या फिर बहुत चिल्ला चिल्ला के बहुत ज्यादा बोलना, रुक्ष चीज खाना, या फिर फ्रिज का चीज, ये सब त्याग देना चाहिए। फ्रिज का ठंडा पानी, फिर ठंडा ठंडा जो भी चिल्ड कोल्ड ड्रिंक्स पीना, या फिर फ्रिज का रखा हुआ खाना, खाना भी उसको गर्म नहीं कर रहे हैं, या फिर गर्म भी करके खा रहे हैं, तो वह भी गलत है। परिवेषित अन्न बोला है, मतलब सुबह का बनाया फ्रिज में रख दिया और फिर दोपहर को गर्म करके खा रहे हैं, तो यह खाने से शुष्क काश ये बढ़ जाता है। फिर तीखा का सेवन, उष्ण पदार्थों का सेवन, ये सब, और कंटिन्यू खाना, ये सब चीजें है ना, ये सब वर्ज कर देना चाहिए। और शुष्क काश जिसको कंटिन्यू रहता है, उनको मौक्तिक भस्म शुद्धोद्गृत घृत का सेवन कराना चाहिए। शुद्धोद्गृत घृत का सेवन अगर कराएं, या पुराण घृत, 10 साल पुराना जो घी होता है उसका सेवन, या नॉर्मल गाय का घी भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से प्राणायाम करना शुष्क काश के लिए अच्छा रहता है। तब हम जो घृत कल्पना दे रहे हैं, कंठकारी घृत हो गया, अश्वगंधा घृत हो गया, शतावरी घृत हो गया, विदार्यादि घृत हो गया, पिपल्यादि घृत हो गया, या महातिक्त घृत हो गया, घृत के साथ में दाढ़ीमादि घृत हो गया, घृत के साथ में प्राणायाम करना बहुत जरूरी होता है। और अगर पंचकर्म कराना है तो वातानुलोमन के लिए मात्रा बस्ती, अगर किसी को भी सूखी खांसी आ रही है, आप तेल का बस्ती दे दीजिए, शीरबला तेल, या ना ये महानारायण तेल का, नारायण तेल का मात्रा बस्ती दे दिया, धन्वंतर तेल का, तो वो बहुत अच्छा रहता है। और निरूह बस्ती, काढ़े का बस्ती से भी शुष्क काश में वायु जब अनुलोमित हो जाता है तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जो वूपिंग कफ रहता है, जो कुकुर खांसी रहता है, बहुत ज्यादा, मतलब जो ऐसे कुत्ता भौंक रहा है उस तरह से बहुत लंबा लंबा सूखी खांसी आ रही है, तो घी और गर्म पानी इसको लेके और मुंह में कवल धारण करना चाहिए। घी और गर्म पानी कवल धारण करके, और वो थूकना नहीं है, वो मुंह में अंदर पेट में ले लेना है, तो इससे बहुत अच्छा वूपिंग कफ में फायदा होता है। इसी तरह से सुबह और शाम को महानारायण तेल से हल्के हाथ से मसाज करना, मात्रा बस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और ज्यादा से ज्यादा 1 महीना लगता है सूखी खांसी ठीक हो जाती है, मतलब कुछ कुछ लोगों को तो बस्ती देते ही ठीक हो जाता है। इसी तरह से अंगूर का सेवन, या फिर ठंडा अंगूर नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला अंगूर का सेवन, मनुका किशमिश का सेवन, और कोहड़ा, लाल जो लौकी रहती है बड़ी, जिसको हम काशीफल बोलते हैं या कुष्मांड बोलते हैं, उसका सेवन कराने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अपुनर्भव चिकित्सा देना है तो मौक्तिक भस्म, ब्रिहण चिकित्सा देना है, खाने में नॉनवेज दें बिना मसाले, बहुत ज्यादा तीखा मसाले के, या फिर खीर का सेवन कराएं, दूध रोटी का सेवन कराएं। जब भी दूध रोटी का सेवन करते हैं वो ब्रिहण कार्य करता है, अग्नि को देख के दूध रोटी का सेवन कराएं, खीर का सेवन कराएं, सेवइयों का सेवन कराएं, या फिर मुस्लिम लोग जो शीर खुरमा खाते हैं उसमें कितना ड्राई फ्रूट्स रहता है वह, और वो सच में इतना पौष्टिक रहता है ना, उसका अगर सेवन कराया जाए तो 100% पेशेंट को सूखी खांसी में फायदा हो जाता है। यहाँ पर क्षयात्मक संप्राप्ति है, इसको याद में, ध्यान में रखिए, क्षयात्मक संप्राप्ति में हमें ब्रिहण करना है। उसी तरह से मनुक्का का सेवन कराना है और नस्य का सेवन जरूर कराना चाहिए। उसी तरह से ये जो सूखी खांसी है इसको नोट डाउन करना चाहिए पेशेंट से कि इसका इंटेंसिटी कब बढ़ता है, तो मतलब ये खांसी का टाइम क्या है, और सोने के बाद इसका कितना तकलीफ हो रहा है, सोते सोते भी खांसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह से अगर वजन वजन ज्यादा बढ़ने के साथ में, मतलब मोटापा भी है, ओबेसिटी भी है और सूखी खांसी है, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए, वजन कम करने की दवाई देना चाहिए। उसी तरह से धातु क्षय हुआ है कि नहीं, और क्या है कि सूखी खांसी जो है वह आगे जाके ड्राई कफ को क्षयज और शतज काश, शतज तो चोट लगने से होता है, क्षयज काश में वो कन्वर्ट हो सकता है, और फिर वो राजयक्ष्मा में जाके, ट्यूबरकुलोसिस में जाके मृत्यु तक लेके जाता है। तो इसलिए सूखी खांसी पे जरूर ध्यान देना चाहिए, और सूखी खांसी जो है उसको हमेशा शत्रु की तरह समझना चाहिए। शत्रु कौन होता है? जो हमको नुकसान पहुंचाता है। तो ये खांसी है ना, सूखी खांसी ज्यादा डेंजरस होती है। बलगम वाली खांसी में तो कफ निकाल दिया तो ठीक रहता है, या वमन करा दिया तो हो गया,
इसमें सूखी खांसी बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, इसलिए वहां पे स्नेहपान घृत का सेवन ज्यादा से ज्यादा करने से या बस्ती देने से नस्य देने से फायदा हो जाता है। अभी आप लोग बताइए, आप लोगों का क्या अनुभव है? डॉक्टर कंचन मैम, आपके पास शुष्क कांस के पेशेंट है, आप कैसे मैनेज किए हैं बताइए। प्रणाम सर, बहुत अच्छा बताया सर आपने, और बहुत ऐसे ही हेतु मिलते हैं। और मैं मेरे पेशेंट के बारे में बताती हूँ, मैंने बहुत सारे पेशेंट इसके अच्छे किए हैं, क्योंकि इसमें ना हमको बिल्कुल आपने सही बताया कि हेतु जरूर ढूंढना है कि ये वात की वजह से है या इसका पित्त का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। मैंने एक मेरे पास आईटी वाले पेशेंट आते थे, जो कि एक्चुअली उनके रिलेटिव मेरे से बहुत सालों से ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो उनका वो यहाँ पे अमेरिका से यहाँ पे कुछ दिन के लिए आए थे, तो वो मेरे पास आए थे, तो उनकी पूरी हिस्ट्री में मुझे मिला था कि 3 साल से उनको खांसी है। वो कोरोना के वजह से जैसे घर में बैठ रहे थे, और कंटिन्यू एक ही जगह पे बैठना, जागरण करना, मतलब वायु का पूरा सिम्टम्स था। तो वहां पे सर मैंने, जैसे आपने बताया, घी के साथ मेडिसिन देना है, मतलब अनुपान घी का रखना है। तो जैसे सीतोफलादी मैंने वहां पे ऐड किया था, अदरक ऐड किया था, मुलेठी दिया था मैंने सर उनको, और चूसने के लिए मैंने लवंगादि वटिका यूज किया था। वहां पे मैंने लक्ष्मी विलास रस और मुलेठी काढ़ा दिया था सर। तो विदिन 5 डेज उनका खांसी पूरा चला गया। फिर भी मैंने उनको बोला था नहीं, आप कंटिन्यू करना, क्योंकि रुक्षता बहुत ज्यादा थी। तो मैंने उनको घी कंपलसरी बताया था कि वो मेडिसिन के साथ घी खाना है सर। वो पूरा, मतलब 3 साल वाला जो खांसी था, वो 5 दिन में पूरा 100% क्योर हो गया था। फिर भी मैंने उनको 3 महीना मेडिसिन दिया, ताकि वो फिर से रिपीटेशन ना हो, क्योंकि पेशेंट यहाँ का नहीं था, वो बाहर जाने वाला था। और एक दूसरा पेशेंट बताती हूँ सर, उनमें अभी जैसे यहाँ के वो आईएएस ऑफिसर है, उनके घर पे पेंटिंग चल रहा था, तो पेंटिंग के वजह से उनको खांसी आ रही थी, वो स्मेल की वजह से। और उनका प्रॉब्लम यही था कि वो कहीं शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे, पेंटिंग भी चालू था, और वो पेंटिंग होने के बाद भी घर में जो स्मेल थी, वो उसकी वजह से भी खांसी आ रही थी उनको। तो उनके केस में मैंने हरिद्राखंड चलाया था सर, और बाकी सीतोफलादी, मुलेठी काढ़ा, और उनमें लवंग आदि वटी, और मैंने कामधुधा और प्रवाल पंचामृत दिया था, क्योंकि ऐसे लग रहा था वो सर की प्रकृति जो है पित्त वाली है, और खाना पीना भी वो पूरा पित्त वर्धक ही लग रहा था। तो मैंने ये पेशेंट भी हार्डली 5 to 6 डेज में बहुत ही सुंदर रिजल्ट आया था उनमें भी। अभी भी वो मेरे कांटेक्ट में है, अभी उनका 1 महीने का पूरा मेडिसिन खत्म हो गया, और खांसी पूरी खत्म हो गई। मैंने मेडिसिन भी बंद करा दी पूरी, अभी फिर से रिपीटेशन कुछ नहीं हुआ है। और एक पेशेंट अब भी चल रहा है, जो कि मैंने 3 दिन पहले देखा, तो वो पेशेंट हार्डली 24 ईयर्स की गर्ल है। सारी इन्वेस्टिगेशन करा के आई थी, सीटी स्कैन से लेके सभी, कुछ भी नहीं था सर। तो मैंने एक ही क्वेश्चन किया, क्योंकि उसको देखने के बाद उसका वेट बिल्कुल एकदम कम लग रहा था, तो मैंने वेट पूछा। पहले तो 28 kg बता रही थी, और बाकी चीजें पूछी, पढ़ाई वगैरह, तो बोली इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। तो मैंने जस्ट पूछा कि क्या कर रहे हो अभी, कौन सी कंपनी में ज्वाइन किया है, तो बोली 2 साल से मैं घर पे हूँ। तो मुझे लगा पढ़ाई कर रही है, तो नहीं, वो स्ट्रेस और नाखून, खाना, नेल बाइटिंग, उसकी हैबिट मैंने वो देख के ही मुझे पहचान में आया कि ये नेल बाइट कर रही है, स्ट्रेस में थी। तो मैंने वहां पे थोड़ी मेधे दवाइयाँ, मेधा क्वार, मेधा वटी, और जो व्याधि प्रत्यानिक है, सीतोफलादी और लक्ष्मी विलास रस वटी, ये ऐड किया है सर। और कृमिघ्न चिकित्सा वहां पे दी मैंने, संजीवनी वटी भी ऐड किया है यहाँ पे। तो अभी देखते हैं सर इसका, मैंने उनको 8 दिन में फिर से बुलाया है, तो इस पेशेंट में देखती हूँ मैं कि कैसे रिजल्ट मिलता है, क्योंकि मुझे ये कृमिजन्य लग रहा था, और थोड़ा सा वायु का भी इन्वॉल्वमेंट लग रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो नेल बाइटिंग की हैबिट, और वो लीव्स भी बार बार चबा रही थी, मतलब कि स्ट्रेस में है ऐसे लग रहा था उसको देख के काफी। जी सर, जी, थैंक यू मैम। और किसी को कुछ बताना है? डॉक्टर मनीषा मैम कुछ बताइए, सूखी खांसी में आप लोग क्या देते हैं? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, सूखी खांसी के पेशेंट आते हैं आपके पास ड्राई कफ के, तो आप क्या देती हैं? ड्राई कफ में सर तालीस आदि, गिलोय और लक्ष्मी विलास रस, अदरक, और इसके साथ में वासा, अड़ुलसा, और वासारिष्ट, ये सब चलाते हैं सर। और खदिरादि गुलिका चूसने वगैरह के लिए देते हैं, और स्नेह के लिए बोलते हैं सर, स्नेह जी पान के लिए।
स्नेह पान उसमें सेंधव मिला करके गाय के घी में और एक एक चम्मच उसको देते हैं और हल्का घी डाल करके सेंधा नमक और पानी डाल के हरिद्रा डाल के गार्गिल करने के लिए देते हैं, पेशेंट के अकॉर्डिंग देते हैं सर। इसमें सूखी घासी में तालिस आदि, सीतोपल आदि और ये ज्यादा अच्छा काम करता है, इष्टि मधुवासा ये अच्छा काम करता है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। इसमें वासावले का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है लोगों को, लेकिन ये भी बहुत बेटर है, टेस्ट थोड़ा सा अनईजी लगता है अवले में। जी जी सर, ठीक है, थैंक यू मैम। डॉक्टर तकदीर सिंह जी, आप कुछ बताना चाहेंगे, सूखी खांसी में आप लोग क्या देते हैं? सर हमारे पास पेशेंट आता नहीं सर कोई ऐसा। अच्छा, कोई बात नहीं सर, मैं बताऊं थोड़ा? हाँ बताइए मैम। हाँ सर, सर इसमें वो चंद्रामृत रस आपने जैसे एक बार बताया था वो भी बहुत अच्छा काम करता है। एक्चुअली मेरी सिस्टर को, मम्मी को, दोनों को हुई, मतलब मैंने एलादी वटी भी दी थी वो सूतिका में, जब उसको बहुत हुई थी सूखी खांसी। तो एलादी वटी क्या करता है, थोड़ा टेम्पररी उसको रोक देता है उस वक्त जो आ रही है, बड़ी चंद्रामृत रस धीरे धीरे करके उसको थोड़ा कम भी करता है। तो चंद्रामृत रस का बहुत अच्छा रिजल्ट है, जैसे आपने एक बार बताया था ना लेक्चर में, आपका भी कोई पेशेंट ठीक हुआ था इससे वैसे। और एक बार मेरी सिस को मतलब प्रेगनेंसी के दौरान बहुत हो गई थी सूखी खांसी, तो मैंने उसको सीतोपलादी दाढ़ीमादी घृत के साथ दिया था और गोजीवादी काढ़ा दिया था, तो उससे भी काफी फर्क, मतलब उससे भी ठीक हो गया था। और अभी भी मम्मी को हुई थी तो फिर मैंने सब सीतोपलादी चूर्ण धात्री रसायन के साथ ऐसे दिया और वो थोड़ा बहुत गोजीवादी का शाय, और मेन तो चंद्रामृत रस चूस चूसने के लिए दी थी बार बार, तो इससे रिजल्ट मिल गया था। और दूसरा एक बार सर क्या हुआ था, बहुत पहले की बात है, तब मम्मी को सूखी खांसी हुई थी तो वो मतलब ये सीतोपलादी तालिसादी अदरक और शायद मैंने गोल्ड भी चला दिया था बट नहीं ठीक हो रही थी, तो फिर मैंने ना उसमें अंजना मैम ने उस समय एक बताया था कि कृमि कुठार वगैरह ऐड करो, तो मैंने फिर वो कृमि कुठार वगैरह ऐड किया तो उससे ठीक हो गई थी। जी सर, बस यही बताना था, थैंक यू। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया सभी को, थैंक यू आपका। थैंक यू, किसी को कुछ बोलना है? थैंक यू मैम, और किसी को कुछ बताना है अपना एक्सपीरियंस? क्योंकि एक कासामृत, श्वासामृत जो है पतंजलि का, उसका क्या रिजल्ट है? श्वासामृत कासामृत आप लोगों ने यूज किया है? कंठामृत है सर। हाँ ऐसा कुछ तो है, उसका क्या रिजल्ट है? चूसने से खांसी में फायदा होता है सूखी खांसी सर? बहुत अच्छा है, मुलेठी है उसका मेन कंटेंट, तो सर बिल बचाया, मैं आती हूँ। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर शैलेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ मैं देता हूँ चंद्रामृत, टंकर, यष्टि मधु और सर्जी का क्षार जी, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और एलोपैथी या कभी कोई कंठ सुधार वटी भी देता हूँ जी। ठीक है, बहुत अच्छा होता है। और कोई बोलना चाहता है तो बोलिए प्लीज। जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, बताइए। जी सर, ये आपने जो डस्ट के वजह से जो सूखी खांसी होती है ना, वो वैसे हाँ। एक पेशेंट थी जो मंत्रालय में जो बहुत सी फाइल्स पड़ी रहती है उसके वजह से उसको खांसी होती थी, तो काम दूधा प्रवाल पंचामृत इसके साथ सीतोपलादी से ही काम हुआ था, लेकिन पेशेंट घृतपान करना नहीं चाहती थी, उसको पसंद नहीं था, तो एलादी वटी दी थी, 3 महीने में अच्छे रिजल्ट्स आए थे, बाद में 1 महीना सुवर्ण मालिनी वसन चलाया था उसको, और उसके बाद उसको वापिस रिटायर होने तक कोई प्रॉब्लम नहीं आए, 5-6 साल के बाद वो रिटायर हुई, फिर भी उसको ड्राई कफ का कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। डस्ट के इसमें भी इसका बहुत अच्छे से फायदा होता है। क्या क्या दिया था आपने, एक बार फिर से बताइए। जी सर, कामदूधा रस दिया था, प्रवाल पंचामृत दिया था, सीतोपलादी एलादी गड्डी दिया था, और सूक्ष्म त्रिफला भी पहले चलाया था 10-15 दिन, उसके बाद में सूक्ष्म त्रिफला बंद करके बाकी सब ये दवाई चलाई थी, और 3 महीने के बाद सुवर्ण मालिनी वसंत 1 महीना पूरा चलाया था, 1 BD चलाया था जी। तो उसके बाद उनको कभी, वो 5-6 साल तक उन्होंने काम किया मंत्रालय में, लेकिन उनको कभी भी ड्राई कफ का प्रॉब्लम नहीं आया। मतलब आपने घी भी दिया था? नहीं सर, वो पेशेंट घी खाने को तैयार ही नहीं थी।
तो भी ये दिलाया था तो इम्यूनिटी अच्छा कर दिया आपने स्नेहन रेशमी से कर दीजिए ना। हाँ सर, बीच बीच में सूप शेकर भी चलाना पड़ता था क्योंकि पेशेंट बाहर का खाती थी और गंधर्व हरित की भी देती थी मैं कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए, लेकिन उसमें ही पेशेंट ठीक हो गई थी। एक महीना तो पूरा पथ्य पे रखा था, उसको बाहर का कुछ नहीं खाने को बोला था, लेकिन यहाँ पे मुंबई में जैसे बाहर का खाना तो मस्त है, ऐसे हो गया है तो लोग खाते ही है, थोड़ा गंधर्व हरित की भी देती थी उसको एक 5-6 दिन ऐसे करके, तो उसमें वो पूरी ठीक हो गई। बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू सर। और डॉक्टर शक्ति जी कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। सर ये जो येलादी बट्टी है ना सर, हाँ ये ड्राई कप में अच्छा काम करती है सर। और जो लवंग लवंग आदि बट्टी है इसको किसी में भी दे सकते हैं सर। लवंग आदि बट्टी जो कप को निकालती है सर बाहर, और जैसे मैम ने बोला ना सर शीतोपराधी, तो इसमें टंकन जरूर मिलाना चाहिए सर। जी टंकन तो शार होता है जैसे, हाँ वो कफ को निकालता है ना सर। हाँ तो और जैसे मैं तो क्या करता हूँ, क्या कहते हैं एक पतंजलि की स्वासरी प्रवाही आती है। अच्छा हाँ, उसमें उसके 4 ढक्कन सर, आधा गिलास पानी में खूब गर्म पानी में उसमें 2 चंद्रामृत रस की गोली जो है कूट के डाल दी सर, तो उसको काढ़े की तरह पिलाए तो किसी भी तरह की खास होती है, रुक जाती है। बहुत अच्छा बताया सर आपने, प्राउड ऑफ यू सर जी, थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। सूखी खांसी के लिए कुछ सर, किसी का सूखी खांसी का हम पीते हैं तो पान भी दे सकते हैं, मैं ओल्ड एज पेशेंट में दे देती हूँ 2-2 चम्मच तो उससे भी रुक जाती है। क्या देती है? तिल तेल का पान रहता है ना, या महानारायण तेल पीने के लिए सर। हाँ पीने के लिए, हाँ 2-2 चम्मच उसमें, मतलब एक केस थी मेरी उसको 6 महीने से नहीं रही थी ओल्ड एज, उसको ये तेल दिया तो उसका 2 दिन में ही सर पूरा बंद हो गया, एक ही दिन में उसका इतना था, बोली खुश हो गई, बोली मैं तेल पियो, मैं बोली इससे हाँ सर। और अभी मेरे हस्बैंड को भी सर अभी ड्राई कफ हुआ था तो मैंने चंद्रामृत रस और ये शीतोपराधी चूर्ण बेहड़ा मशी है ना वो डाल के और मैंने कंटकारी अवले सब मिक्स करके ये दिया सर, सर एक दिन में ठीक हो गया। जी ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर अर्चना मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? यस सर, दशमूल काढ़ा की पेया भी दे सकते हैं और पंचोकल चूर्ण में गुड़ मिक्स करके वो भी पेया बना सकते हैं हम वातज के लिए। और मैं क्या डालते हैं उसमें? और ये मात्रा बस्ती जो है ना, मात्रा बस्ती उसमें भी वातशमय हो जाता है, उससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। या सिर्फ स्नेहन स्वेदन करके नाड़ी स्वेद और महानारायण तेल भी यूज किया उसमें तो भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। वो दशमूल पेया में आप कैसे बनाती है वो तो बताइए। कुछ नहीं सर, मैं काढ़ा बनाती हूँ और वही जो दिया है ना मैं वन पेया जैसे बनाती है वैसे ही, चावल डाल के। हाँ अच्छा, वो मतलब 1:14। हाँ हाँ सर ठीक है, थैंक यू मैम, कितना बढ़िया बताइए आप, प्राउड ऑफ यू मैम, थैंक यू सर। हाँ और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो फिर सेशन बंद करते हैं, फिर मिलते हैं ठीक है। तो अभी हम 8:15 मिलेंगे, सेशन बंद करते हैं, थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाकी हम 8:15 के बाद बात करेंगे, थैंक यू।